वेलकम बैक टू टेक साथी। आज की इस इनकम टैक्स ड्रोव के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स में जो टीडीएस की रिटर्न्स है उनकी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने एक बार फिर से एक्सटेंड कर दी है। क्या है नई ड्यू डेट और कैसे आपको टीडीएस के रिटर्न्स टाइमली फाइल करने हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में अदर ड्यू डेट्स जो एक्सटेंड हुई है उनको भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ये सारी इंपॉर्टेंट बातें तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, साथ में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं इन वीडियोस की पीपीटी और पीडीएफ जो है शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। हम डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन नंबर 35/2020 को जो सीबीडीटी के द्वारा इशू किया गया है। रिलैक्सेशन दी गई है जिस नोटिफिकेशन के द्वारा, काफी सारे रिलैक्सेशन इनकम टैक्स के ड्यू डेट में। तो सबसे पहले ड्यू डेट जो चेंज हुई है वो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। इसके अंदर जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो आपकी चेंज कर दी गई है, गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। जो कि असेसमेंट ईयर 1920 की अगर मैं बात करूं जो कि 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होता है, तो उसकी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने पहले की थी 30 जून, अब उसे एक महीने से और बढ़ा दिया गया है और उसे कर दिया गया है 31 जुलाई 2020। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, अगर आप असेसमेंट ईयर 1920 के लिए अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जो है लेट फीस जो सेक्शन 234F की है वो आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज और कमेंट्स यहाँ पे रिसीव होते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको क्या यहाँ पे रिटर्न फाइल करते हैं 31 जुलाई तक या पहले थी 31 जून तक तो क्या हमें लेट फीस देनी पड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी है तो ऑटोमेटिकली जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो पोर्टल से आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है डिमांड यहाँ पे 234F की लेट फीस की आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इनकम टैक्स के असेसमेंट ईयर 2021 की, जिसकी गवर्नमेंट ने पहले ही ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी थी 30 नवंबर 2020 तक। अब हम बात करते हैं टीडीएस रिटर्न्स के लिए, तो टीडीएस रिटर्न्स के लिए यहाँ पे जो रिलेटेड पॉइंट्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं वो पॉइंट नंबर 2 से लेके पॉइंट नंबर 4 के अंदर किए हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारी बात करता है अगर आपको स्टेटमेंट जो है डिलीवर करना है, यानी कि रिटर्न जो है डिलीवर करना है सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 200 एंड सबसेक्शन 3A ऑफ सेक्शन 206C। तो 2A ऑफ 200 जो रिलेट करता है वो टीडीएस के से रिलेटेड है और 3A आपका रिलेटेड है 206C टीसीएस से रिलेटेड। तो हम इन सेक्शंस को भी आगे देखेंगे लेकिन पहले देख लेते हैं कि इन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या नोटिफाई किया गया है, कौन कौन से मंथ्स के लिए और कौन कौन से क्वार्टर्स के लिए आपकी ड्यू डेट जो है कितनी और कब तक एक्सटेंड हुई है। तो यहाँ पे मंथ अगर मैं बात करूं तो मंथ है फरवरी, मार्च और आपका क्वार्टर है फोर्थ क्वार्टर, यानी कि जो एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। तो इनकी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है 15 जुलाई 2020। उसके बाद यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 बात करता है वो बात करता है आपका डिलीवरी ऑफ स्टेटमेंट्स, यहाँ पे है टीडीएस रिटर्न्स जो कि है सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 200 और सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 206C। और यहाँ पे मंथ्स जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं वो किए हैं फरवरी, मार्च और जो क्वार्टर है यानी कि 31 मार्च 2020 को जो क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 4 आपका एंड होता है उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड की है 31 जुलाई 2020 तक। तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट में कौन से टैक्स पेयर्स के लिए 15 जुलाई हुई है और कौन से टैक्स पेयर्स के लिए 31 जुलाई हुई है, इनके लिए हमें इन सेक्शन को जो है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 जो की बात करता है सेक्शन 203 के अंदर जो आपको सर्टिफिकेट्स इश्यू करने हैं, यानी कि जब आप रिटर्न्स सबमिट कर देंगे उसके बाद जो टैक्स जिनका टैक्स डिडक्ट किया है जो डिडक्टिव्स है उनके लिए आपको स्टेटमेंट्स जो है वो सर्टिफिकेट्स जो है वो इश्यू करने हैं और उनकी ड्यू डेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक्सटेंड की है 15 अगस्त 2020 तक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो अब हम यहाँ पे जो है सबसे पहले सबसेक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि इन सबसेक्शंस के अंदर क्या लिखा गया है ताकि आपको क्लियर हो सके कि कौन से टैक्स पेयर्स के लिए ड्यू डेट जो है 15 जुलाई है और कौन से टैक्स पेयर्स के लिए यहाँ पे 31 जुलाई है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सेक्शन 200। सेक्शन 200 बात करता है ड्यूटी ऑफ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स। तो इसका सबसेक्शन 2A क्या बात करता है, 2A बोलता है इन केस ऑफ
ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफिस की बात कर रहा है, विद सम डिडक्टेड इन द प्रोविजन ऑफ फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर और द टैक्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 192। तो यहाँ पे जो है आपके फॉरगोइंग चैप्टर यानी कि टीडीएस चैप्टर के अंदर अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और आपका सेक्शन 192 के सबसेक्शन 1A के द्वारा आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो टीडीएस रेट्स के लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए नई टीडीएस रेट्स आ चुकी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से जाके उस वीडियो को जरूर रेफर कर लीजिए, क्योंकि ये टीडीएस की रेट जो है 14 मई 2020 से एप्लीकेबल हुई है और 31 मार्च 2021 तक एप्लीकेबल रहेगी और पुरानी रेट्स आपकी 13 मई तक एप्लीकेबल रहेगी। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आप जो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं वो कौन से पीरियड के अंदर दे डिडक्ट कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने टीडीएस को सम को डिडक्ट किया है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसको यहाँ पे जो है क्रेडिट करना होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ चालान, यानी कि चालान के बिना आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अकाउंट ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, चेक को ड्रॉइंग या डिसबर्सिंग ऑफिसर, किसी भी पर्सन जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इसको डिडक्ट करने के लिए और इसको पेमेंट करने के लिए, तो उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको डिलीवर करना है। क्या करना है, ये डिलीवर करेगा इनकम टैक्स अथॉरिटी को और प्रिस्क्राइब्ड सच अथॉरिटी जो प्रिस्क्राइब्ड है इन सच ए फॉर्म, फॉर्म के अंदर आपको प्रिस्क्राइब करना है, वेरीफाइड इन सच ए मैनर सेटिंग फोर्थ विद द पर्टिकुलर इन द सच टाइम लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे टाइम लिमिट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दी है। फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्म्स आपके काफी सारे फॉर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे सबमिट करने हैं, जैसे फॉर्म्स आ गया फॉर्म 24, 26, 27। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आपका सबसेक्शन 3 के बारे में। सबसेक्शन 3 यहाँ पे बोलता है एनी पर्सन डिडक्टिंग एनी सम ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2005, यानी कि 1 अप्रैल 2005 के बाद कोई भी पर्सन यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट कर रहा है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसेज के अलावा हो गए आपके, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसेज जो है सबसेक्शन 2A के अंदर कवर्ड हैं, उसके बाद अब कोई भी पर्सन यहाँ पे कवर्ड है जो टीडीएस डिडक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो अंडर दिस चैप्टर एज द केस में बी एनी पर्सन बींग एन एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर यहाँ पे सेक्शन 192 सबसेक्शन 1A के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर रहा है आफ्टर टैक्स डिडक्टेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम, यानी कि अब जो आपने डिडक्ट किया है टैक्स वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिस्क्राइब टाइम टू टाइम हमने डिस्कस कर लिया है। सबसेक्शन 3 के लिए है 31 जुलाई, प्रिपेयर सच स्टेटमेंट फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड डिलीवर और कॉज टू बी डिलीवर्ड टू द प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी और द पर्सन ऑथोराइज बाई सच अथॉरिटी सच स्टेटमेंट इन सच ए फॉर्म एंड वेरीफाइड इन सच ए मैनर एंड सेटिंग फोर सच पर्टिकुलर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे जो है प्रिस्क्राइब किया हुआ जो है इस फॉर्म्स को, तो फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो आपको फॉर्म्स जो है यहाँ पे काफी सारे फॉर्म्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, तो वो है 24Q, 26, 26 आपका 26B, 26Q, 27A, 27Q। इन फॉर्म्स को अगर आप फाइल करने की प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइए, मैं आप सभी के लिए वो वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो यहाँ पे जो आपको सबमिट करने हैं सेक्शन 200 के सबसेक्शन 3 के अंदर, तो उसकी ड्यू डेट है आपकी 31 जुलाई, और आपको जो 2A के अंदर सबमिट करना है उन टैक्स पेयर्स के लिए है आपकी ड्यू डेट 15 जुलाई। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 206C की, तो 206C के सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 3 से पहले हम देखेंगे सबसेक्शन 3A। सबसेक्शन 3A बात करता है कि अगर आपका ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट है यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफिस है और आप बिना प्रोडक्शन ऑफ चालान जो है आप यहाँ पे TCS जो है कलेक्ट करते हैं, तो आपको जो है प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी और जो पर्सन यहाँ पे प्रिस्क्राइब है ऑथोराइज है उस सच ए फॉर्म एंड मैनर के अंदर आपको विद इन सच ए टाइम लिमिट
लिमिट आपको जो है रिटर्न्स को फर्निश करना है, और टाइम लिमिट जो हमने देखा वो टाइम लिमिट है आपकी 15th of July। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं सबसेक्शन 3 की। तो सबसेक्शन 3 यहाँ पे बात करता है कि अगर आपने जो है TCS कलेक्ट किया है 1 April 2005 या उससे बाद, यानी कि जो अभी आपने TCS जो कलेक्ट किया है, तो उसको आपको जो है उसका रिटर्न आपको प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी और जो पर्सन ऑथराइज है इन सच ए फॉर्म एंड मैनर आपको रिटर्न जो है फर्निश करना है विद इन सच टाइम लिमिट। टाइम लिमिट यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर दी है Feb-March और फॉर द क्वार्टर 31 March 2020 के लिए 31 July 2020। तो यहाँ पे काफी सारी फॉर्म्स जो है गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं 206C के अंदर। तो ये सारी फॉर्म्स जो है आपके फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन से फॉर्म की आपकी ड्यू डेट जो है वो गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है और कौन सा फॉर्म आपको एप्लीकेबल यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 203 की, जो कि बात करता है सर्टिफिकेट फॉर TDS डिडक्टेड। तो यहाँ पे आपका जो टैक्स डिडक्टेड हुआ है उसका सबसेक्शन 1 के अंदर सारे पर्सन को सर्टिफिकेट जो है इशू करने हैं जिस पर्सन ने यहाँ पे TDS जो है डिडक्ट किया है। अब सबसेक्शन 2 आपके बात करता है आपके एम्प्लॉयर को जिसने TDS यहाँ पे डिडक्ट किया है सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 192 के अंदर, तो उसको अब जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू करने हैं। और सर्टिफिकेट इशू करने की डेट हमने देखी थी 15th of August पॉइंट नंबर 4 के अंदर। और फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ सर्टिफिकेट आपके कौन से सेक्शन के अंदर कौन से फॉर्म के अंदर आपके नोटिफाई होंगे, तो फॉर्म 16 है जो कि सर्टिफिकेट बात करता है आपके सैलरी पे, अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो उस पर आपको फॉर्म 16 के अंदर 16A के अंदर जो आपका अदर देन सैलरी है आपका TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आप फॉर्म 16A के अंदर आप सर्टिफिकेट यहाँ पे जो है जारी करेंगे। तो इन सब की ड्यू डेट जो है गवर्नमेंट ने 15th of August जो है वो की है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा इतना ही था ताकि मैं आपको क्लेरिफाई कर सकूं कि TDS रिटर्न्स की ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड की है गवर्नमेंट ने और कितनी एक्सटेंड की है वो भी मैंने आपको क्लेरिफाई कर दिया है विद सेक्शन। आशा है आपको इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और भी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर अपने और भी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी क्लैरिटी मिल सके।